things like enhancement. Imagine that we could try to engineer humans that have enhanced properties such as stronger bones or less susceptibility to cardiovascular disease, like a different eye color or to be taller, things like that. Designer humans, if you will. If we could go in and fix those mistakes, we could save many, many lives. Today we're discussing breakthroughs in CRISPR technology. For the first time, scientists have used the gene editing technology known as CRISPR. Need to introduce an acronym that you've heard of, CRISPR. Tame ourselves in the presence of this awesome power. Clustered regulatory interspaced short palindromic repeats. ये टेक्नोलॉजी आने वाला वक्त, आने वाली दुनिया, आने वाले इंसान, आने वाले जानवर, आने वाला खाना फूड, हिस्टोरिक एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हजारों साल पहले, सुपर ह्यूमंस, साइबर बेबीज, उड़ने वाले चूहे, वेट, उड़ने वाले चूहे, यस, हर एक चीज की पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल डाइवर्सिफाई और मैग्निफाई करने की पावर्स या फिर सही कह सकते हैं होल्ड करती है ये टेक्नोलॉजी। जेनेटिक एडिटिंग, ये शब्द आपने काफी बार सुना होगा। जीएमओ क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोस, इस पे वीडियो भी बनाई है। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रिस्पर फूड जो कि सेल में गया था वो है टोमेटो, और जापान में अब क्रिस्पर बेस्ड टोमेटो जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर करके खा सकते हैं। तब से मैं क्रिस्पर बोले जा रहा हूँ। ये है क्या, चॉकलेट है क्या कोई, या फिर जेनेटिक एडिटिंग मेथड? बताओ क्या हो सकता है, चॉकलेट या फिर जीन एडिटिंग मेथड? चॉकलेट है ये जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, मजाक कर रहा हूँ। क्रिस्पर ये जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी जिसकी फाउंडर है डॉक्टर एमानुएले चारपेंटर, बेसिकली इट अलाउज रिसर्चर्स टू ईजिली ऑल्टर डीएनए सीक्वेंसेस एंड मॉडिफाई जीन फंक्शन। ये मेथड डिराइव करा गया है ऑब्जर्व करके कैसे हमारी बॉडी नेचुरली रिएक्ट करती है जब भी कोई वायरस एंटर करता है बॉडी में। When the components of CRISPR are transferred into other more complex organisms, those components can then manipulate genes. जिस प्रक्रिया को हम जीन एडिटिंग के नाम से जानते हैं, मैं आपको काफी आसान भाषा में समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। हमारे सेल में जब भी कोई वायरस एंटर करता है उस वक्त वहां पे एक पहरेदार खड़ा होता है जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो अंधा होता है। इस वजह से चोर जो कि वायरस होता है वो उसे पकड़ तो नहीं पाता, पर वो वायरस के पैटर्न अपने जीनोम में रिकॉर्ड जरूर कर लेता है, जिसे साइंटिफिक टर्म में स्पेसर्स कहा जाता है, उस पैटर्न को, जिसकी बदौलत जब चोर सेल में एंटर करके छुप जाता है इस खुशी में अब मैं वो कोई नहीं पकड़ सकता। पर उस चोर को ये नहीं पता पहरेदार ने ऑलरेडी वायरस डीएनए की सीक्वेंस को स्टोर कर लिया है अपने जीनोम में, और उसी के साथ साजिश रचना भी शुरू कर दिया है चोर की तबाही करने के लिए। फिर पहरेदार अपने नौकर को जो कि आरएनए, उसे सब कुछ बताता है कि पैटर्न था उस चोर डीएनए का, आरएनए में खूबी है, वो इच्छाधारी नागिन की तरह भेज कॉपी कर सकता है किसी का भी। तो फिर बैक्टीरिया पहरेदार उस पैटर्न या फिर भेज की डिटेल्स देता है आरएनए को, और आरएनए उस फॉर्म में डेवलप हो जाता है एकदम डिट्टो कॉपी वायरस डीएनए की। अब हम पे एड्रेस है, पूरे डीएनए का डेटा है, पर उस चोर को मारने के लिए कोई ताकतवर चीज़ की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। अब इन लोगों को एक पहलवान की ज़रूरत तो पड़ेगी ही चोर को मारने के लिए, तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, Cas9 ये प्रोटीन होता है सेल में जो कि किसी भी डीएनए के स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है या फिर ख़त्म कर सकता है पूरा, ओनली अगर उसे लोकेशन पता लग पाए उस डीएनए चोर की। तो हमारे आरएनए भाई जाते हैं Cas9 पहलवान पे और दोनों डील कर लेते हैं एक दूसरे से। आरएनए फिर बाइंड हो जाता है Cas9 से और ये दोनों जाते हैं चोर के पास जो कि एग्जैक्ट कॉपी है हमारे आरएनए भाई की। फिर Cas9 जैसे चोर डीएनए के पास पहुंचता है वो उसे इतना जोर का थप्पड़ मारता है जैसे आपका मन करता होगा बिल गेट्स को, ओप्स कुछ नहीं। तो ऐसे Cas9 जो बाइंड होता है आरएनए से ब्रेक या फिर पूरा खत्म कर देता है उस वायरस डीएनए को सेल से। इसके बाद जहां पे ब्रेक हुआ होता है हमारे डीएनए उसे रिपेयर करने के लिए हमारे सेल में एक खूबी होती है जो है जहाँ पे भी कोई ब्रेक हुआ है वहाँ के लिए डीएनए प्रोड्यूस करना और वहाँ जाके बाइंड हो जाना जिससे ब्रेक रिकवर हो जाए। ऐसे काम करता है क्रिस्पर जो कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है। अब देखते हैं कैसे साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जेनेटिक्स एडिट करने में। मेथड सेम है,
फर्क यह है Cas9 प्रोटीन को स्पेसिफिक आरएनए जो कि लैब में बना होता है किसी भी स्पेसिफिक डीएनए को ब्रेक करने के लिए जो कि इन्वॉल्व कर सकता है कोई भी ह्यूमन ट्रेड डीएनए इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी बीमारी के डीएनए की इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है वो ये चीज़ अब हम इंसर्ट कर सकते हैं वो आरएनए सेल के अंदर। बेसिकली आरएनए डायरेक्ट कर सकता है Cas9 प्रोटीन को किसी भी स्पेसिफिक डीएनए को ब्रेक करने के लिए जिसके बाद मॉडिफाइड जीन्स इंसर्ट करे जा सकते हैं और वो रिप्लेस कर देंगे जिस एरिया में डीएनए ब्रेक हुआ है बाय ऑर्डरिंग द नेचुरल रिपेयरिंग सिस्टम ऑफ द सेल टू मैनिपुलेट और एडिट ऑलरेडी प्रेजेंट डीएनए विद द पर्सनलाइज्ड डीएनए विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है कैसे ये काम करती है। तो इस टेक्नोलॉजी के बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को एडिट करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक बिल्ली को कुत्ते के ट्रेड्स देना भी पॉसिबल है। इतना ही नहीं, आप ये पढ़िए, साइंटिस्ट वाओ टू ब्रिंग तस्मेनियन टाइगर बैक फ्रॉम एक्सटिंक्शन। जो टाइगर की स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उसे वापस लाया जा सकता है। जो आखिरी तस्मेनियन टाइगर था 1936 में जू में मरा था, इस बात को 90 साल से ज़्यादा हो चुका है। अब आप ये सोचिए फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी के बेस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। हम अपने पर्सनलाइज पेट्स बनवा सकते हैं स्टोर में जाके, खुद के डिज़ाइन पेट्स, और ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, रियलिटी है। अपने आई कलर चेंज करवा सकते हैं, हाइट, बोन डेंसिटी, वेट। The latest issues of The Economist, editing humanity is all about genetic enhancement, is not... जो भी एबिलिटी हमें चाहिए वो हम पा सकते हैं। इवन पर्सनलाइज ह्यूमन बेबीज, बायो वेपन्स, सुपर सोल्जर्स, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हमने ये तो जान लिया से क्या क्या हो सकता है, और इस टेक्नोलॉजी की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। एक तरीके से जो काम भगवान करते थे नेचुरल सिलेक्शन और डिज़ाइन का, उसे ऑल्टर करने की एबिलिटीज आ चुकी हैं कुछ स्पेसिफिक लोगों पे। अब इन सब में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो है कंट्रोल। एलीट्स कैन मैनिपुलेट अवर इंटेलिजेंस और मेक अस मेंटली अनस्टेबल। आप ये सोचिए, जो लोग सबसे ऊपर बैठे हैं और पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जिन पे इतनी सारी पावर्स है जो आम इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा, उन्हें अगर और ज़्यादा पावर और कंट्रोल चाहिए इंसानी सभ्यता का, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली दे कैन क्रिएट अ न्यू प्लान ऑन देयर विल। पूरी मीडिया का कंट्रोल तो उन पे पहले से है ही, इस पे ये वीडियो मैंने बना रखी है। सबसे पहले फेयर ऑफ अ न्यू डिसीज़, जो रियल है या फेक है वो एक आम इंसान नहीं बता सकता तक वो किसी स्पेशल ग्रुप से ज्वाइन नहीं है, जो अंडरग्राउंड काम कर रही है, जो अंडरग्राउंड काम कर रही है अपने मेंबर्स के लिए, अवेयरनेस के लिए, जिसमें से एक है IMPH नेटवर्क। गुड न्यूज़, इस ग्रुप को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वो कैसे करना है, तो फाइनल गेम लिखकर व्हाट्सएप कर इस नंबर पर और आप मेंबर बन सकते हैं ऐसे IMPH नेटवर्क के। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लान के बाद उस बीमारी से डील करने के लिए पनीर टीका आएगा, जिसके फैक्ट्स कौन डिसाइड करेंगे, फैक्ट चेकर्स, जो कि ऑलरेडी कंट्रोल में है एलीट्स के, जो मैंने इस वीडियो में बता रखा है। बेसिकली वो ऐसे जीन तक डाल सकते हैं हमारी बॉडी में जिससे हम गुलामी एक्सेप्ट करने लगे, अवेयरनेस कम होने लग जाए, इंटेलिजेंस ड्रॉप होने लग जाए स्पेसिफिक चीज़ों को लेके। इवन अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होगा इंसानों पे, इवन पॉपुलेशन कंट्रोल, स्पेसिफिक जीन टारगेट कर सकते हैं, पूरी इंसानी सभ्यता का कंट्रोल ले सकते हैं, इवन हम सब के अस्तित्व को भी मिटा सकते हैं। अब ऐसा करेंगे ये लोग या नहीं करेंगे वो बात की बात है, पर ये एबिलिटी ज़रूर है इन पे। जैसे अब तक हम देखते हुए आए हैं, हमें लैब रैट्स की तरह यूज़ करा गया है इस टेक्नोलॉजी को मास स्केल में टेस्ट करने के लिए, और वो चीज़ आपको पता है क्या लगा के की थी। और ये एक ड्रॉबैक हम सबको ज़रूर सोचने पर मजबूर करेगा, क्या डिसीजन एक इंडिविजुअल को लेना चाहिए आने वाले फ्यूचर में, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए या नहीं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ अपने विचार। पर हम अवेयर कैसे रहें अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा, कहाँ से लाए सही डेटा और इन्फॉर्मेशन, मैं फिर से आपको बता देता हूँ IMPH नेटवर्क का पार्ट बनके। इस वीडियो से हमें काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, पर उसमें मेन ये थी, आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाली चीज़ें आएंगी जो हमें अंधा भी बना सकती हैं और तबाह भी कर सकती हैं। बस हमें आँख बंद करके लंबी सांस लेके दिमाग खोल के हर वक्त सोचना है, क्या मैं अवेयर हूँ इस वक्त या फिर मैट्रिक्स में फंस रहा हूँ। और जैसे ही लगे फंस रहा हूँ, तुरंत बाहर आ जाओ दलदल में फंसने से पहले। आपका साथी डॉक्टर येल्लो।